Hello everyone, how are you all? I hope you all are watching our videos and learning tenses, which is going to be so useful for you during academics and in your day-to-day life. आपको हमारे वीडियोज से टेंसेस सीखने में सहायता मिलेगी और आप इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग अपने लेखन के लिए और बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जो हर बार मैं कहता हूँ टेंस पढ़ाते वक्त कि वोकैबुलरी पावर हमारी अच्छी होगी तभी ये सारे स्ट्रक्चर्स हम अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज देर इज़ नो यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्स. और जहाँ तक स्पोकन की बात है, वैसे ही एकेडमिक क्लास है, बट आई डोंट इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एकेडमिक एंड स्पोकन एंड दिस थिंग और दैट थिंग. इफ़ यू नो इंग्लिश, वेदर इट्स एकेडमिक और योर राइटिंग और स्पोकन इज ऑल सेम. जैसे हिंदी अगर हम जानते हैं तो बोलते भी हैं, तो लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वैसे ही कुछ होना चाहिए. ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अलग अलग कर दिया गया है कैटेगरी की स्पोकन है. हाँ ठीक है, स्पोकन है तो आप सुनकर काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि हम बाकी लैंग्वेज सुनकर सीख लेते हैं, उस माहौल में आप रहते हैं. लेकिन अगर स्ट्रक्चर आप जानते हैं तो आप सेंटेंस को बनाना, फ्रेमिंग करना सीख जाते हैं, तो वो भी आपको बोलने में सहायता करती है. तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है व्हाट वी यूज़, बट स्ट्रक्चर एनी हाउ यू नीड. वाई? बिकॉज इफ़ यू वांट टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट और इफ़ यू वांट टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट, यू नीड स्ट्रक्चर्स. तो आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं. पिछली क्लास तक मैंने फ्यूचर सिंपल करा दिया था, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या है उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं. कोई भी चीज़ हर एक टेंस के नाम से ही इसे हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इट इज़. फ्यूचर मीन्स भविष्य में होने वाली, और कंटीन्यूअस का मतलब जो घटना होगी, जो एक्शन होगा वो कंटिन्यूटी में चलती भी होगी. जैसे कि मान लो कि मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, मेरा लेक्चर बंद हो जाएगा तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, लेक्चर दे रहा था ऐसा रहा था आ जाएगा, और अब अगली क्लास में जब मैं दूंगा तो दे रहा होऊंगा, रहा आ जाता है, रहा शो करता है. हिंदी से अगर हम कंपेयर करें तो कंटिन्यूटी जो है वो रहा से शो होता है. इससे पहले कि मैं फ्यूचर कंटिन्यूस पे जाऊं, मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट बताना चाहूँगा कि बी की फॉर्म हमेशा यूज़ की हम लोगों ने कंटिन्यूस बनाने में. अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बी की फॉर्म जो प्रेजेंट का है उसको ट्रांसफॉर्म करके हमने क्या किया था, इज आर एम. तो वो है वो अपने आप में एक फॉर्मेशन है और मेन वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन उसमें आईएनजी हमने जोड़ा और उसको ऑक्सिलरी बनाने के बाद में और इसको आईएनजी जोड़ के हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बना दिया. वैसे आपको याद हो पास्ट सिंपल जब मैंने पढ़ाया उसके साथ मैंने पास्ट का बी फॉर्म बताया था. उस बी फॉर्म का मतलब है बीन है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो वॉज वर्ब में हो जाता है, और वॉज वर्ब इट इज़ एज गुड एज पास्ट सिंपल बिकॉज बीन का ही वो ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर बनता है और वहाँ पर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है. लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में उसको ऑक्सिलरी बना देते हैं बी वर्ब को, यानी वॉज वर्ब को, और उसके साथ में आईएनजी जोड़ देते हैं. सेम केस इज हियर, यहाँ पे भी वही मामला है कि बी की फॉर्म तो आपको यूज़ करना ही करना. अब बी की फॉर्म कैसे फॉर्म करें भाई? तो फ्यूचर ग्रुप के लिए हमें पता है कि हमें विल और शेल का प्रयोग करेंगे, वही सिम्बलाइज करता है कि ये फ्यूचर है. तो विल और शेल के बाद में हम क्या जोड़ सकते हैं? अगर हम फ्यूचर सिंपल के नियम से देखा जाए तो विल और शेल के बाद में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने वही किया, टेक्निकल एस्पेक्ट में बता रहा था, तो विल और शेल के साथ में हमने बी जोड़ देना, तो बी की फॉर्म तैयार हो जाएगी. सिर्फ बी लिखने से काम होगा नहीं, तो मैंने एक छोटा सा बना के भी रखा है वो भी बताऊँगा, लेकिन शुरुआत करते हैं अब शुरू से. सो आज का जो डिटेल है वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूस को सीखने जा रहे हैं. बहुत ही छोटा सा एक डेफिनेशन मैंने बना दिया है, जस्ट आई क्रिएटेड अ वेरी वेरी स्मॉल डेफिनेशन विच इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है समझना. टू सो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई क्रिया चलेगी तो लगातार अगर चल रही होगी देन वी नीड दिस टेंस, तब हमें इस टेंस की जरूरत पड़ेगी. एडवर्ब्स ऑफ टाइम मैंने लिखा है एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट. अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहे हैं और देख रहे हैं तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए. एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट नेचुरली जो अभी घटना घट रही है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट से. और भी एडवर्ब है लेकिन आई कैन यूज दिस टू. इसका मतलब ये कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस को शो करने के लिए कोई एडवर्ब है नहीं इनफैक्ट, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्ब से हम बना लेते हैं कि हाँ अगर फ्यूचर में मुझे
उस समय के लिए घटना कंटिन्यूटी में दिखानी होगी तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए ये दो मैंने पिक कर लिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। अगर यहाँ तक ही आता है ये एडवर्ब देन वी हैव टू फिल अप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये साथ में फ्यूचर का जोड़ लिया, फ्यूचर सिंपल का। इनफैक्ट अगर इतना ही आता है तो फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन जब दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, व्हेन आई कंबाइन दिस बोथ द थिंग दिस साइड एंड दैट साइड, देन आई जनरेट फ्यूचर कंटिन्यूअस। वो मैं आपको अभी एक्सरसाइज करके बताऊंगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ तीन चीज़ें एक साथ है, यही तो एग्जाम में होता है और एग्जामिनर इसी को ज़्यादा यूज करता है कंफ्यूज करने के लिए। एग्जाम इज व्हाट, टू मेक यू कंफ्यूज, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बस खत्म, अदरवाइज आते हुए भी चीज़ें हैं कई बार हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर इतना ही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिर्फ इतना ही कहीं कुछ दिखाई दे रहा है फ्यूचर सिंपल है, दोनों का मिश्रण या मिक्स दिखाई दे रहा है देन इट बिकम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अभी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा तो देखेंगे। तो उससे पहले मैं बी फॉर्म के बारे में बात कर रहा था, वापस मैं एक बार लेता हूँ। बी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, इसको जब ट्रांसफॉर्म किया हम लोगों ने इज आ रहे हैं, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहा है, लाइक आई एम ए बॉय, ही इज़ अ टीचर, सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, लाइक वाइज सो मेनी सेंटेंसेज वी कैन स्पीक, देर आर 10 रूम्स, देर इज़ अ टेम्पल, लाइक वाइज यू हैव टू यूज़ लाइक वाइज, सो दैट इज़ ऑल मेन वर्ब। लेकिन इसमें अगर मैंने ING जोड़ दिया अभी, अब आपके सामने लाइव करके बता रहा हूँ, तो ये आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये रहा देता है और ये है, तो ये दोनों मिलके प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है जिसका प्रयोग हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये सिर्फ था देता है और इसके साथ में अगर मैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ देता हूँ तो अब मैंने ये पास्ट कंटिन्यूअस क्रिएट कर दिया, ये आपका रहा है और इसके साथ में था। अब वैसे पहले मैंने बी की फॉर्म क्रिएट कर ली है क्योंकि ये आपको बताने के लिए कि टेक्निकली ये सारी चीज़ें एक जैसी है, एक साथ ही बनाई हुई है, स्टेप बाई स्टेप उन्होंने इसका यूज़ किया है। तो अब ये फ्यूचर का बी फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ, फ्यूचर के लिए विल और सेल तो चाहिए, और इसके बाद फ्यूचर सिंपल के नियम से देखा जाए तो हम इसको बी फॉर्म फर्स्ट जोड़ सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म यही वाला पिक करके यहाँ पे डाल दिया, तो अब ये बी फॉर्म आ गया। अब इस बी फॉर्म के साथ मैं अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अभी मैं स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ तो ये आपकी हिंदी जो है वो ये हिंदी देगा, वैसे होगा होगी, यहाँ पे ये है दे रहा था, यहाँ पे ये था दे रहा था, यहाँ होगा और ये रहा तो देना ही, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस है जी ये मैच होके ये रहा होगा। देखा जाए तो बहुत इजी स्ट्रक्चर हो गया, इज आर एम ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर ING पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी प्लस ING फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि बी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। चलो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ, ये भी यहीं रहने देता हूँ, ऊपर वाला पोर्शन यूज़ कर लेता हूँ, इतना काफ़ी रहेगा स्ट्रक्चर बताने के लिए, और उसके बाद फिर मैं सब चीज़ों को मिटा के फिर आपको कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स करके बताऊंगा। तो आप देखिए क्या बन गया है स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर ये बनाया है, सब्जेक्ट विल बी शैल बी वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको फ्यूचर सिंपल के साथ ही बोला था कि प्रेफरेबली अगर आप इसको यूज़ करते हैं ING के साथ में शैल, तो यहाँ शैल भी हो जाएगा और रेस्ट के साथ में विल भी। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आज की डेट में, क्योंकि वो मॉडल्स के हिसाब से भी मान लिया जाता है, बट ग्रामेटिकली ये ज़्यादा यूजफुल है अगर सिंपल फ्यूचरिस्टिक एक्शन ही हमें दिखाना थी, आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो चलो अब भर के देखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन में आ जाएगा और कैसे हमें इसका यूज़ करना है बोलने के लिए भी या लिखने के लिए। जैसा मैंने कहा था, आई डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइटिंग स्पीकिंग, इट्स ऑल सेम इफ़ यू नो हाउ टू राइट, अगर आप लिखना आता देन यू कैन स्पीक वेरी वेल, एंड इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक देन यू कैन राइट वेरी वेल, इट्स ऑल वॉइस वर्सा, सो कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट, द प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब मैं आपको मान लो कि तीन चार ब्लैंक बना रहा हूँ, बी फॉर्म भी ले रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो ये एक मैंने टुडे के साथ बी फॉर्म ले लिया है, फिर यहाँ से जिससे कि आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, इसमें बहुत मैंने फील किया है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया है, और कुछ का कुछ भर के आ जाते हैं, कई बार यहाँ पे बीन भर देते हैं, बी भर के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये तीनों मैंने यहाँ पे बी फॉर्म का ही लिया है, सिर्फ एडवर्ब अलग अलग लिया है, टुडे यस्टरडे टुमारो।
नेचुरली ये बी फॉर्म है, अगर मुझे पता है कि अभी प्रेजेंट का तो ट्रांसफॉर्म करूंगा इज आर एम में ऐसा आएगा तो ही इज आ जाएगा। अब तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। अब ये भी समझ में आ गया ये बी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी बीन होती है, लेकिन मैं बीन लिख नहीं सकता यहाँ पे, इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज। और अब बी फॉर्म फ्यूचर का क्या होता है वो हम लोगों ने निकाला है, विल बी या शैल बी, ही के साथ क्या यूज करने वाला है विल बी। इस तरीके से बी फॉर्म प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के लिए भरा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस के लिए। तो बी फॉर्म आपका क्लियर हो गया। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस में अपन आते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस का ब्लैंक कैसे आ सकता है, तो उसमें हम कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं तीन बना रहा हूँ ब्लैंक। जरा आप देखें इधर, सी वर्क एट दिस टाइम। ओके, मैंने एक ये ब्लैंक ले लिया है, दूसरा ब्लैंक बिल्कुल इसी से बना रहा हूं, एक ही वर्ब रख रहा हूं तीनों में। मैंने यहां पे टुमारो ले लिया है एडवर्ब, और यहां पर भी यही मैंने सब्जेक्ट लिया है, वर्ब भी मैंने वही लिया है, लेकिन यहां पर मैं इसका कॉम्बिनेशन ले रहा हूं एडवर्ब का, और आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। इट्स ऑल वेरी इजी, ओनली कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट। अब आप अगर इससे जाते हैं, सिर्फ ये आपका इंडिकेटर है यहाँ पे, देन यू हैव टू फिल अप व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो व्हाट विल बी दिस, सी इज वर्किंग, वो काम कर रही है, रहा है, रही का हिंदी आता है, इसमें क्या आएगा वो भी देखेंगे अभी। सी वर्क टुमारो, ओनली टुमारो इज देयर, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल को शो कर रहा है। फ्यूचर सिंपल के लिए मैं विल और वर्क लूंगा, क्योंकि विल और इसके बाद वर्क फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी हिंदी देती है क्या गागेगी वाली, जैसा पहले भी हम कर चुके हैं। तो वह कल काम करेगी, यहाँ पे हिंदी था रहा है और रही है ये वाले पैटर्न में, तो यहाँ पे रही है आ जाएगा। मतलब अब आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए मैंने ये कंपैरिजन बताया। नाउ हियर सी वर्क एट दिस टाइम, मान लो एग्जाम में अगर आपने ये वाला देखा ही नहीं टुमारो, या ये देखा ही नहीं आपने टुमारो देख लिया, तो ये तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भर के आ जाओगे या फिर फ्यूचर सिंपल भर के आ जाओगे, जबकि कॉम्बिनेशन है दोनों का। इसका मतलब टुमारो की कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ वी हैव टू फिल अप फ्यूचर कंटिन्यूस, एंड फॉर दैट वी हैव टू फिल अप लाइकवाइज, She will be working, वह कार्य कर रही होगी कल इस वक्त, ऐसी हिंदी निकलेंगी, She will be working at this time tomorrow. So इसकी हिंदी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा, हिंदी स्पोकन होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा अच्छा रहता है कि मैच कर लें क्या हिंदी निकल सकती है इसकी। सो लाइकवाइज वी कैन लर्न। सो अभी टेंसेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहे हैं, दो टेंसेज बचे हैं, अगली क्लासेस में वो भी कर दिए जाएंगे, उसके बाद आगे और भी सारे टिप्स बताऊंगा। देन विल बी डूइंग वर्कअप, देन आई विल बी राइटिंग सम सेंटेंसेस, देन आई वुड टेल यू हाउ टू स्पीक आल्सो, हाउ टू राइट, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस, बिकॉज पहले मेरा काम यही था कि मैं आपको पहले स्ट्रक्चर्स सिखाऊं। तो आई होप यू ऑल आर लर्निंग स्ट्रक्चर्स, कीप लर्निंग, और वो भी कौन से स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ अफर्मेटिव के। एक दिन की क्लास लूँगा मैं अलग से, कंसेप्चुअल इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाए, और एक दिन नेगेटिव का लूँगा, एक दिन WH वर्ड्स का लूँगा। इस प्रकार से जब वो सारी चीज़ें हो जाएगी, देन वी कैन मूव फर्दर टू द पेसी वाइज एंड अदर थिंग। फर्स्ट मेरा टास्क ये रहेगा और आपका भी यही होना चाहिए, हाउ टू राइट, छोटे छोटे वाक्य हमको लिखने की कोशिश करना चाहिए। और कैसे करेंगे, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप कंपेयर करें, वो सिचुएशन आप देखें कौन से टेंस के हिसाब से फिट बैठने वाला है, जिस टेंस के हिसाब से फिट बैठने वाला उस टेंस का स्ट्रक्चर आप दिमाग में लाएं, और उस एक्शन का आपके पास वर्ब होना चाहिए, और आगे की कोई भी वाकअप जुड़ने वाली है ऑब्जेक्ट के रूप में या फर्दर, तो वो आना चाहिए। दैट्स इट, इससे आपका काम हो जाएगा। आई होप यू विल एन्जॉय नाउ, बिकॉज नाउ वी आर इन द ऑलमोस्ट एट द एंड, तो वो सारी चीज़ें आप कंपेयर करते रहोगे तो आपको सीखने को अच्छा मिलेगा। सो कीप वॉचिंग अस, एंड इफ यू लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल, टेल अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।